बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अभी आप देखना, बस ये स्टार्ट होने वाला है। हाँ जी, क्या हाल है? बोला था तो था मैंने अभी आप लोगों को कि अभी मैं शो नहीं कर पाऊंगा, पर पता नहीं फिर लिंक लग गया है, भाई इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे पास, जिसके कारण आप लोगों का मैं क्लास 2-3 दिनों तक नहीं ले पाऊंगा। तो हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट की वायर है वो डिस्टर्ब हो गई है, जिसके कारण हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण मैंने आप सबको ये बात बोली। ठीक है जी, चलो अब बताओ क्या हाल है आपके। सब बढ़िया, अच्छे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। कौन कौन आया हुआ है मुझे मोबाइल पर देखना पड़ेगा, अभी मोबाइल से लगाया हुआ है, देखेंगे जरा 1-2 दिन तक मोबाइल से कैसा लगता है, पहुंचता भी है नहीं पहुंचता है। मीमिंग पहुंच गया, अरे वाह, आदित्य सेठी भी आए हुए हैं, रुद्र शर्मा भी आए हुए हैं, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। और मैंने देखा कि ये आ भी अच्छा रहा है, दिख भी अच्छा रहा है, कमाल है। चलिए बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब चलो, हाँ जी बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया जी, सब मुझे दिख गया। अब बेटा देखो, हमें पढ़ना क्या है? देखो, जैसे कि मैंने एक आपको वीडियो दिखाया था अपना लास्ट क्लास में, तो उसके बाद हमने तय करा था कि क्या क्या रह गया है हमारा और क्या क्या पूरा करना है, तो वो सब हमने पूरा कर लिया है बेटा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको एक पूरी चैप्टर की, 11th क्लास की पूरी समरी बताई थी, समरी, और वो समरी हमने पूरी कर ली। अब हमने कल हमने कंप्लीट कर लिया था डिफरेंस बिटवीन एक्रुअल बेसिस एंड कैश बेसिस, ये भी पूरा हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हमें आगे क्या पढ़ना है? अब हमें आगे पढ़ना है, जो मैं देखता हूँ वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैंने सिखा रखा है हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज हाउ यू कैन प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड ऑल्सो यू विल बी लर्न यू नो हाउ टू क्लोज लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो ये सब आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जल्दी से मुझे लिखकर बता दीजिए। हाँ जी, अर्पित, आदित्य, रुद्र शर्मा, ये सब मुझे लिखकर बता दीजिए कि क्या आप सब ये बात जानते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ यू कैन क्लोज लेजर अकाउंट्स। अच्छा, इसके साथ साथ एग्जाम ऑनलाइन डॉट ओ आर जी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ लाइव क्लासेस होगी और पब्लिक में ये जो अभी जूम का सेशन देख रहे हो उसमें लिंक भी होगा, आप लोग उसके थ्रू मेरे जूम सेशन में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जूम सेशन में आ जाएं, तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि अब मैं यूट्यूब पर तो रहूँ, यूट्यूब पर हम बीम करेंगे, लेकिन आप लोग जूम सेशन में हो ताकि आपके साथ मेरी बातचीत हो सके। ठीक है, हाँ, इसलिए तो एग्जाम ऑनलाइन डॉट ओ आर जी वेबसाइट है, उसमें लाइव क्लासेस का लिंक होगा, वहाँ पे शेड्यूल होगा ऊपर से नीचे तक का, तो ये लेटेस्ट क्लास, जो ये वाली क्लास है ये देख लीजिएगा कौन सी वाली है, और आज के दिन के हिसाब से होगी, अभी 2 बजे के हिसाब से होगी, और उसमें जाके क्लिक करके आप रूम में आ जाइए। ठीक है, चलिए अंजय, तो अभी जब आप आएंगे तो फिर मैं आपको रूम में एंट्री दे दूंगा। ठीक है, चलिए, जब तक आप आते हैं तब तक मैं फिर पढ़ने को थोड़ा आगे चलता हूँ। देखो, अब मुझे सिखाना है आप लोगों को ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस होता क्या है? देखिए, ट्रायल बैलेंस जो है बेसिकली इट इज़ ए ट्राई,
ये ट्राई है। ट्राई जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में ट्राई बॉल की जाती है, तो जो ट्राई बॉल होती है वो इसलिए की जाती है कि भाई बॉलर भी देख ले अपना रिदम, बैट्समैन भी देख ले, पिच के बारे में भी पता लगे, तो एक ट्राई बॉल समझो। तो बस यही है, ये भी एक अपने आप में एक ट्राई बॉल ही है और कुछ नहीं। तो ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब है ट्राई करना बैलेंस का। किसका बैलेंस ट्राई करना? लेजर्स अकाउंट्स के बैलेंस को ट्राई करना, ठीक है? किसके अकाउंट को? अरे बाप रे, सॉरी सॉरी बेटा, मैंने क्या करा, अभी ऑन ही नहीं करा अपना चार्जर, अब ठीक है। हाँ जी, तो ट्राई करना, किसके बैलेंस को ट्राई करना, आप समझ गए? लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को ट्राई करना। आप लोग आ रहे हो क्या? कोई आ रहा है तो फिर फटाफट बताओ, वरना मैं फिर इंतजार ना करके सीधे पढ़ाने पर लग जाता हूँ। अगर आप आ रहे हो तो बताइए भाई, ठीक है? यूट्यूब पर लिख दो येस या नो, लिख दो बस एक बार दोबारा से, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये बच्चा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अगर सभी बच्चे नहीं आ रहे हैं तो मैं फिर पढ़ाने पर लगूँ। हाँ चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस है बेसिकली, इट इज़ ए ट्रायल, इट इज़ ए प्रिपरेटरी वर्क बिफोर मेकिंग एनी फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले मुझको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे लेजर अकाउंट सही हैं या नहीं सही हैं। अगर मेरे फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं तो ऐसी हालत में मेरे को, मेरे लेजर अकाउंट सही है तो मैं फाइनल अकाउंट बनाने जाऊंगा, अगर मेरे लेजर अकाउंट सही नहीं है तो मैं फाइनल अकाउंट बनाने नहीं जाऊंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, कैसे पता लगेगा लेजर अकाउंट सही है नहीं सही है? ठीक है, रुद्र शर्मा तो यूट्यूब पर ही रहेंगे, और आदित्य और अर्पित आप भी कुछ जवाब दे दो बेटा। हाँ जी, आदित्य जो है मेरे साथ रूम में आ गए हैं, और बढ़िया। चलिए, हेलो, वेलकम करते हैं भाई। क्या आदित्य सेठी आप आ गए हैं? बहुत दिनों से आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी बात करें और अपना ऑडियो जो है वो अनम्यूट कर लें आप, वीडियो ना चालू करना चाहें तो। वेरी गुड, ग्रेट, आदित्य सेठी, अगर वीडियो नहीं चलाना चाहें तो ऑडियो को बेटा कर लें आप अनम्यूट, ऑडियो से बात कर सकते हैं आप, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ जी, तो वो और अरे वाह यार, क्या करके लाया, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके लाया ये लड़का। ये देखो आप सब, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके लाया है ये छोटा सा हमारा घर का बच्चा है ये। आ जा बेटा इधर आ जा, इतनी सारी कैलकुलेशन करके लाया है छोटा सा बच्चा कि पूछो मत। ये छोटा सा बच्चा हमारा, ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करता है। इसका चैनल भी आपने देखा होगा, किस नाम से आपका चैनल? सिबलिंग सिबलिंग धमाल के नाम से ये यूट्यूब पे चैनल चलाता है ये हमारा बच्चा, और बड़ा ही कलाकारी करता है। आजकल आजकल कौन सा क्या कर रहे हो बेटा? धमाल आज अभी कोई नया प्रोडक्शन आने वाला है आपका? कुछ शूट वूट कर रहे हो आजकल? अच्छा चलो ठीक है, अब बच्चों को पढ़ने देते हैं, जाओ शाबाश, गुड, ठीक है अर्पित, तुम्हारा भी अपडेट मिल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आदित्य बेटा कुछ आया नहीं आपकी तरफ से कुछ, फिर हम लोग क्या कहें, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आस्क टू अनम्यूट। हेलो।
गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आदित्य बेटा, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। दरअसल मैं क्या चाह रहा था कि बहुत दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग टेक्स्ट के थ्रू मेरे को कमेंट भी करते हैं, करेक्ट है ना? तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा इससे एक नेक्स्ट लेवल पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पर है कि हम जूम के थ्रू क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को सबको जूम में बुला लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब कभी स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करनी है तो हाथों हाथ बिना कोई टाइम को वेस्ट करे फटाफट बात कर ले, भले ही वीडियो ऑन नहीं करा, ऑडियो तो ऑन करके बात कर ली। तो स्टूडेंट्स फौरन ही अपने डाउट्स पूछ लेंगे और जो ऐसी हालत में ज़्यादा क्लेरिटी आएगी उस स्टूडेंट्स को भी जो क्लास लेना चाह रहा है और उन स्टूडेंट्स को भी जो क्लासरूम में अवेलेबल है। बस इसीलिए थोड़ा सा अभी ये आगे हम एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं इस लेवल को। आदित्य, अर्पित, रुद्र वगैरह और आर्यन जायसवाल भी आ चुका है, तो बेटा अगर आपने आना है तो आप भी जूम में आ सकते हो हमारे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन का ट्रायल ऐसे ही करेंगे। आदित्य, मेरी बात सुन रहे हो ना आप? यस सर, यस। तो 2-3 दिन का ट्रायल ऐसे करेंगे, देखते हैं इसका आउटपुट हमारे को क्या मिलता है, हम कैसा पढ़ पाते हैं। आप लोगों को भी ज़्यादा यूटिलाइजेशन फील होता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो पुराना वाला मॉडल तो हमारे पास है ही, तो हम उसमें आ जाएंगे, उसमें कोई बात तो है ही नहीं। ठीक है ना बेटा? हाँ जी सर। अच्छा, कल वाला लेक्चर देखा था आपने, कैश बेसिस वर्सेस एक्रुअल बेसिस वाला? नहीं सर, वो कल मैंने मिस कर दिया था, अभी मैं अच्छा, इसी के बाद वही देखने वाला हूँ। आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए कि बाई चांस अगर मैं कभी लाइव क्लासेस नहीं लेता हूँ, ठीक है, तो मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पहले आपके जो आपका ग्रुप बना रखा है मैंने अपना ब्रॉडकास्ट वाला, उसमें मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि मैं कोई लेक्चर अपडेट अपलोड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कोई लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो यानी ये वो उसका ये जो होगा ये रिप्लेसमेंट होगा लाइव क्लास के बदले में, ताकि आपका जो एक क्लास का एक डोज है वो चलता रहे। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वो जो अपलोड मैंने कर दिया है उसको देखना है, उसके बाद आपको अगर कोई डाउट है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ नीट एंड क्लीन, बढ़िया अच्छे से डिसेंट मैनर में चला है, तो एक बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज वहाँ नीचे लिख सकते हैं, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उस चीज़ को पढ़कर वो भी इम्प्रेस होए, इंस्पायर होए। मोबाइल से अगर आप टाइप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल बन जाता है, क्योंकि इमोजीज वगैरह भी यूज़ हो जाती हैं, तो और भी अच्छा लगता है मुझे, मेरे लिए भी थोड़ा सा एक वो अच्छा लगता है, मुझे भी इंस्पायर होता हूँ मैं भी, जब बच्चे मेरे को इंस्पायर करते हैं इस तरीके से, ये बात है। तो अब आप देख लेना बेटा, वो सभी स्टूडेंट्स देख लें जो इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, उनको भी बता दूं मैं कि इससे पहले कल की क्लास में हमने कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिर्फ ये 15 मिनट का चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी है, आपके स्कूल एग्जाम में पक्का आता है, स्कूल एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, और वही क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखा है। आदित्य, यस सर। 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में अगर कोई चैप्टर का कंफर्मेशन है और ये भी मालूम है कि 2 या 3 नंबर का वो आएगा ही आएगा, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं सर। अब आप देखो ना, पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, कितनी सारी थ्योरी है, बाप रे बाप, और उसमें से कितने नंबर का आएगा, 2 या 3 नंबर का आएगा। तो किस किस को तैयार करें, किस किस को छोड़ें, कितना डिफिकल्ट टास्क है, जबकि जो ये है चैप्टर, इसमें तो वही 15 मिनट में से आना है और वो पक्का आएगा, तो वो ज़्यादा आसान है ना। तो बेसिकली पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कोई ऐसे चैप्टर्स अवेलेबल है जिनके आने की श्योरिटी है और वो मिनिमम टाइम में पूरे किए जा सकते हैं। अगर ऐसे चैप्टर्स हैं जो मिनिमम टाइम में पूरे किए जा सकते हैं और आने की श्योरिटी भी है, तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लिया जाता है, ताकि हमारे नंबर आने की श्योरिटी जो है एटलीस्ट बुक हो जाए, उतना तो पक्का आ ही जाए। ठीक है ना, ये बात है। चलिए, अब मैं आदित्य, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप रूम में ही रहिएगा, बाकी सभी स्टूडेंट यूट्यूब पर भी हैं, और मैं अब आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। और अगर मुझे किसी से कुछ पूछना होगा तो वो सब भी टाइप कर सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल पर यूट्यूब भी खोला हुआ है, और आपने पूछना हो तो आप अपना ऑडियो से पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है बेटा? जी सर। हेलो, ठीक है ना? हाँ, यस सर, यस। चलिए, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सबके साथ,
ये है हमारी कल की स्ट्रीम, ठीक है। तो कल हमने ये एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूरा कर लिया था, आज हम इससे आगे चल रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इससे आगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए अब ठीक है, अपना वीडियो मैंने मिनिमाइज कर लिया क्योंकि मुझे अपने लैपटॉप को है ना 360 डिग्री है ना, तो मोड़ कर उसे वापस लाना पड़ता है टैब पोर्शन पर, तो फिर उसका वीडियो गायब हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है आज का कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। देखिए मैं इसका ऐसे आंसर दूंगा आप सबको कि आप सबसे पहले वाउचर्स बनाते हैं, वाउचर्स के बेस पर आप जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, और लेजर्स बनाते हैं। फिर बाद में आप लेजर्स को क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने पर तीन बातें होती हैं, या तो लेजर्स के क्लोज करने पर कोई बैलेंस नहीं आएगा, नो बैलेंस, यानी उसका डेबिट और उसका क्रेडिट दोनों बराबर है, यानी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है और कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, दोनों साइड इक्वल बैलेंस है। तो जब डिफरेंस ही नहीं है तो बैलेंस भी नहीं है, ठीक है आदित्य? यस सर। एक है कि ये डेबिट बैलेंस है, एक है क्रेडिट बैलेंस है। अब मैं आपको तीनों के सैंपल करके दिखाता हूं। देखो जैसे मान लीजिए राम का अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम के क्रेडिट में मान लीजिए बाई परचेज है 1000 रुपीज, हमने उसे पेमेंट कर दिया है, तो हमने पेमेंट कर दी राम, डेबिट टू कैश, तो टू कैश। अब आदित्य मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अब बाकी सभी स्टूडेंट्स कहेंगे अच्छा हुआ हम जूम में नहीं गए सर, तो बाहर से फिर तो पूछने पर लग जाएंगे, क्यों आदित्य कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा अगर मैं बार बार आपसे पूछूं तो? तो अब देखो राम है, ठीक है, अब इसके क्रेडिट में 1000 है, डेबिट में 1000 है, तो क्या इसका बैलेंस क्या, व्हाट इज द बैलेंस? सर इसका बैलेंस तो नो बैलेंस हुआ ना। यस वेरी गुड, इसका कोई भी बैलेंस नहीं है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस आना, बैलेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस आना, तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है तो देयर इज नो बैलेंस, करेक्ट। अब आते हैं इधर डेबिट बैलेंस में आते हैं, मान लीजिए कोई है फर्नीचर अकाउंट है, मान लीजिए ठीक है, फर्नीचर को परचेज करेंगे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, साल के लास्ट में उस पर 1000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बाई डेप्रिसिएशन मान लीजिए 1000। अब सभी स्टूडेंट जरा देखें, और बाकी रुद्र, अर्पित और आर्यन जयसवाल, आप लोग YouTube पे कमेंट करके बताओ कि अभी पिछले 5 मिनट कैसे बीते हैं, अच्छा लगा आप सबको? आदित्य फर्नीचर अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है? 100% आ रहा है। क्यों आ रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें बैलेंस आ रहा है? So, क्योंकि फर्नीचर के वैल्यू कम होके 9000 पे आ गए हैं। करेक्ट है, क्योंकि फर्नीचर डेबिट में शो कर रहा है 10,000 रुपीज और जबकि क्रेडिट में आ रहा है 1000, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस है, और डिफरेंस है फर्नीचर के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट पे कितने का डिफरेंस है 9000 का,
तभी इन दोनों का टोटल वापस 10,000 बन पाएगा। अर्पित जी समझ में आ गया ना बेटा? अर्पित आपको भी ठीक। तो इसे कहेंगे बाई बैलेंस सीडी, और जो बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग डाउन है, कैरिड डाउन है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाता है। टोटल के नीचे लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी 9,000 रुपीज। आदित्य ये बैलेंस को निकालना, सीडी और बीडी बनाना, ये हम सीख चुके हैं ना जब हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे? हाँ जी सर। ठीक है, वेरी गुड। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि मैं ये क्लास ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि मैं आप सबको लेजर अकाउंट्स पढ़ा चुका हूँ, और लेजर अकाउंट्स के अलावा उन्हें क्लोज करना भी सिखा चुका हूँ। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट आया है और इनके बारे में नहीं जानता, तो मेरे ही चैनल पर आपको लेजर अकाउंट्स के नाम से दो क्लासें मिल जाएंगी, वो दो क्लासें आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये तीसरी क्लास समझिएगा। ठीक है, तो आदित्य मैंने बताया कि सबसे पहले वाउचर्स बनते हैं, फिर जर्नल्टीज, सब्सिडरी बुक्स और लेजर्स बनते हैं, और फिर लेजर्स को क्लोज किया जाता है। और जब हम लेजर्स को क्लोज करते हैं तो मेरे पास लेजर के क्लोजिंग बैलेंस तीन तरीके के हो सकते हैं। नंबर एक, या तो लेजर अकाउंट्स जो हैं उसमें जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, यानी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो कोई बैलेंस नहीं आ रहा है, लाइक जैसे अभी हमने राम अकाउंट बनाया। दूसरा है कि हम जो हैं, हो सकता है मेरा लेजर डेबिट बैलेंस बताए, जैसे कि अभी अभी हमने फर्नीचर अकाउंट देखा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है आदित्य, कि जो फर्नीचर अकाउंट हमने बना रखा है, आप है ना लाइन पर? यस सर। तो इसको डेबिट बैलेंस क्यों कहते हैं? व्हाई दिस इज नोन एज डेबिट बैलेंस? बता सकते हैं इसका जवाब? तो बैलेंस बीट है वो डेबिट में हो। मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने पिछले दो लेजर अकाउंट्स में बताया था, काफी गैप हो गया इसलिए स्टूडेंट भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब डेबिट बैलेंस होंगे, मैं हिंदी में लिखूंगा वैसे ही जैसे मैंने पहली बार लिखा था व्हाट्सएप लैंग्वेज में। डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड सरप्लस साइड है। समझ आया? यानी कि डेबिट साइड, देखो ना, डेबिट साइड सरप्लस है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो डिफरेंस कहां पर आएगा? जो कम वाली साइड है यानी क्रेडिट में। लेकिन जो बैलेंस सीडी बाद में बीडी बनेगा वो कहां पर आएगा? जो सरप्लस साइड है, दिस इज कॉल्ड सरप्लस साइड। ये सरप्लस साइड है। सरप्लस साइड कहां पर है, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। डेबिट। तो इसलिए इसे डेबिट बैलेंस कहेंगे। बात समझ में आ गई? सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जब कभी भी किसी भी बुक्स में आप पढ़ेंगे कि कोई लेजर अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो आप समझ जाना कि डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, बैलेंस सीडी कम वाली साइड में आएगा, बैलेंस बीडी ज्यादा वाली साइड में आएगा। तो जब वो कह रहा है कि डेबिट बैलेंस है, तो आप समझ जाओ कि आपको डेबिट में लिखना है टू बैलेंस बीडी। पॉइंट क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? आदित्य पॉइंट क्लियर है? यस सर। अगर आदित्य अगर क्रेडिट बैलेंस की बात करें, ध्यान दीजिए, क्रेडिट बैलेंस, तो अब आप क्या बताएंगे, बताइए क्रेडिट बैलेंस के लिए आप क्या कहेंगे मेरे को? क्रेडिट बैलेंस क्या है, क्या समझे क्रेडिट बैलेंस से? सरप्लस साइड क्रेडिट साइड होगी। यस, सरप्लस साइड इज क्रेडिट साइड, मतलब टोटल ज्यादा जो होगा वो क्रेडिट का होगा और डेबिट में कम होगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो डेबिट में आएगा। बैलेंस बीडी कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट। नहीं 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 नहीं, बैलेंस बीडी, बीडी बीडी मतलब ओपनिंग, ओपनिंग जो होता है वो सरप्लस साइड में होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस की, तो बैलेंस बीडी कहाँ पर आएगा इसका? क्रेडिट में आएगा, करेक्ट। अब आपके समझ में आया, और अभी पढ़ाऊंगा तो और समझ में आएगा। देखो जरा,
मैंने बच्चों बैंक से लोन लिया और मान लो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो गारंटी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो एक लेजर बनाऊंगा मैं लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो ट्रेड में आएगा बाई बैंक 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। अब इसके बाद यूट्यूब पे आर्यन जायसवाल है, आर्यन जायसवाल कुछ टाइप करो, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। तो अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने बैंक को 10,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। तो 10,000 रुपीज़ का अगर मैं बैंक को पेमेंट कर दूंगा तो आदित्य भी कहेगा आज तो फंस गए जुग में आगे। आदित्य क्या गारंटी बता सकते हो इसकी? हाँ जी हेलो। हाँ जी बेटा, क्या इसकी जब हम गारंटी बैंक को पैसे देंगे? जी जी, जब बैंक को हम लोन में से कुछ पैसा दे रहे हैं सर, तो फिर कैश क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट होगा। तो यानी बैंक लोन डेबिट होगा और कैश के जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो गारंटी ध्यान दीजिए, लोन अकाउंट डेबिट, ये जो अकाउंट है ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो इसके डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक और 10,000 रुपीज आ जाएगा। अब इसके अलावा हमने कुछ नहीं करा, अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लोज। तो क्लोज में सरप्लस साइड क्या दिख रही है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस आया? 1 लाख। वही डेबिट में लिखा 1 लाख। अब कितना आ गया डिफरेंस? 90,000। ये क्या आ गया? बैलेंस सीडी। मेरे पास जगह कम है तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम सीडी का बैलेंस, बीडी आएगा नेक्स्ट महीने की पहली तारीख को, नेक्स्ट महीने की पहली तारीख को बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे हम लोग 90,000। तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये क्रेडिट में लिखा गया है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रायल बैलेंस, ध्यान से समझिए ट्रायल बैलेंस। तो सामने देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये तो मैं सिखाऊंगा ही आपको। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? अब मुझे बताना है आपको कि ट्रायल बैलेंस क्या है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग इसे ये ना समझें कि ये कोई अकाउंट होता है, स्टेटमेंट है। और जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यानी स्टेटमेंट का मतलब है एक रफ नोट जो हम कॉपी पर लिख रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? इट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या देते हैं हम इसमें जितने भी मेरे लेजर्स होते हैं उनका बैलेंस शो किया जाता है। क्या किया जाता है? Showing all balance of all ledger accounts. तो इसमें जितने भी हमारे ledgers होते हैं हम उनके सभी balance को show करते हैं, ठीक है। And it has टू कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इन दोनों का जो टोटल है वो मिलना चाहिए, ठीक है। मैचिंग ऑफ दीज टू कॉलम्स suggest that ledgers are arithmetically accurate। अब ये मैंने क्या लिख दिया, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसे ऐसे समझाता हूँ कि देखो ये है ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट।
तो बेसिकली देखिए फॉर्मेट तो तीन तरीके के होते हैं, लेकिन आप लोग 11th क्लास वाले हो तो मैं आपको तीन तरीके के फॉर्मेट में से जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, जिसकी थ्योरी मैंने ऊपर यहाँ पर लिखी है, मैं सिर्फ वही फॉर्मेट आप लोगों को बता रहा हूँ। बाई चांस कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट देख रहा हो या बाद में देखेगा, तो ये ना सोचे कि सर ने तो यही बताया है, क्या सर को मालूम नहीं था। तो बेटा मैं 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना 11th वालों के लिए काफी है। तो फॉर्मेट देखिए, अब आप इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस लिख दिया जाता है। यहाँ पर बेटा लिखा जाता है नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पर डेबिट का कॉलम, यहाँ पर क्रेडिट का कॉलम। जरा सभी स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, रुद्र यूट्यूब पर है इस समय, आर्यन जायसवाल आप भी यूट्यूब पर हैं, और अर्पित। तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि ट्रायल बैलेंस बन गया। अब जितने भी मेरे लेजर अकाउंट्स हैं सब यहाँ पर लिख दिए जाएंगे, ठीक है। ये सीरियल नंबर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, CSN लिख देता हूँ मेरा यहाँ। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कोई डेट का कॉलम नहीं लिखते हम, नंबर 5, नंबर 6। तो जितने भी लेजर्स हैं यहाँ लिखते रहेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ फर्म का नाम लिख देंगे ऊपर, और क्या होता है ट्रायल बैलेंस जिस दिन का होता है तो इसे लिखते हैं एज ऑन। जो डेट होगी ना वो डेट लिख देंगे कि इस डेट का ट्रायल बैलेंस है ये। इसका मतलब है कि डेट बदल गई, ट्रायल बैलेंस भी बदल गया। क्यों बदल गया आदित्य? क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, जब डेली ट्रांजेक्शन होते हैं तो डेली गारंटी बनती है, डेली गारंटी बनती है तो पोस्टिंग भी डेली होती है, डेली पोस्टिंग होती है तो लेजर्स के बैलेंस भी डेली चेंज होते हैं। तो इसलिए आज का ट्रायल बैलेंस कल का ट्रायल बैलेंस नहीं हो सकता, कल का ट्रायल बैलेंस अलग बनेगा, आज का ट्रायल बैलेंस अलग बनेगा, परसों का ट्रायल बैलेंस अलग बनेगा। आदित्य एग्री है मेरी बात से? यस सर। सर आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। सॉरी, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रायल बैलेंस जो है वो डेली चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि ट्रांजेक्शन डेली होते हैं, तो जब ट्रांजेक्शन डेली होगा तो गारंटीज भी डेली बदलेगी, डेली होगी गारंटी तो पोस्टिंग भी होगी, पोस्टिंग होगी तो लेजर्स में भी जाएगा, तो इससे लेजर्स का जो बैलेंस है वो भी बार बार फ्रीक्वेंट चेंज होगा। तो इसलिए आज का ट्रायल बैलेंस कल का ट्रायल बैलेंस नहीं हो सकता, आज का ट्रायल बैलेंस अलग होगा, कल का ट्रायल बैलेंस अलग होगा, ठीक है ना? हेलो। यस सर। अब जिस दिन ट्रायल बैलेंस है उस दिन की आपको इसीलिए डेट लिखनी पड़ती है ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि ये किस दिन का ट्रायल बैलेंस है। मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2020 का, तो यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट लिखेंगे, जो भी अकाउंट है, मान लीजिए कैपिटल अकाउंट है, लोन अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, ठीक है। अभी मेरे पास इतने ही स्पेस है, तो मैं इतना ही स्पेस है, आप सोचो कि हमने पूरे कर दिए, ओके। अब सभी के लिए आदित्य बात करेंगे। आदित्य है? हेलो आदित्य। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि अभी पिछली स्लाइड पर हमने बात की थी कि लेजर अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो तीन तरीके से क्लोज हो जाते हैं वो। नंबर 1, नो बैलेंस। नंबर 2, डेबिट बैलेंस। नंबर 3, क्रेडिट बैलेंस। तो जब कोई भी बैलेंस नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका कोई बैलेंस ही नहीं है, वो क्लोज हो गया। अगर उसे पैसा लेना था हमने तो ले लिया, पैसा देना था तो दे दिया। अब ना तो कोई आपस में कोई लेन देन ही नहीं है, तो देयर इज नो फ्यूचर बैलेंस वी हैव, दैट्स व्हाई अकाउंट्स आर क्लोज्ड, सेटल्ड। बात समझे आप? यस सर। आप देखो ना मैंने ऊपर क्या लिखा है, इट हैज टू कॉलम्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है।
और इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, शोइंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। तो जिस लेजर्स में बैलेंस ही नहीं है वो इस स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं। दोबारा से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, जिस लेजर्स में बैलेंस ही नहीं है वो इस ट्रायल बैलेंस में हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो सेटल्ड हो चुका है, ना लेना ना देना, तो इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। भाई ये क्या कह रहा है, फिर से देखो ना, व्हाट इज दिस, दिस इज बैलेंस, बैलेंस है तो दिखाओ, बैलेंस है तो, बैलेंस नहीं है तो, मत दिखाओ। बात समझ में आ गई, आ देते हैं। यस सर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोजिंग लेजर बैलेंस, तीन। नंबर वन, व्हेन देयर इज नो बैलेंस। नंबर सेकंड, व्हेन देयर इज अ डेबिट बैलेंस। नंबर थर्ड, व्हेन देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो दोज लेजर्स व्हिच डोंट हैव एनी बैलेंस डू नॉट शो इन दिस ट्रायल बैलेंस। बात समझ में आई नहीं आई? हेलो, तो अब इसमें क्या दिखाएंगे हम लोग, इसमें उनके बैलेंस दिखाएंगे जिनके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए कि इस ट्रायल बैलेंस में जो ये लेजर्स लिखे हुए हैं ये वो हैं जिनके बैलेंस हैं। अगर इनके बैलेंस नहीं होते तो वो ये यहाँ पर कभी भी नहीं आते। एग्री सब बच्चे? यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, भाई आप लोग कमेंट करो। चले अब सभी सभी स्टूडेंट देखिए, अब इसमें यहाँ पर हम इनके बैलेंस लिख देंगे। आज जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में लिखा जाएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। फिर से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में ये होगा कि ट्रायल बैलेंस में किसको डेबिट में लिखना है किसको क्रेडिट में। तो जिसका बैलेंस डेबिट है उसको डेबिट में लिखेंगे अर्पित महेश्वरी, जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो परचेज अकाउंट है ये डेबिट में, बैंक है डेबिट में, कैश है डेबिट में, क्रेडिटर्स है क्रेडिट में, लोन है क्रेडिट में, कैपिटल है क्रेडिट में। और बेटा फिर इसका कर देना आप टोटल, क्या कर देना टोटल, मान लीजिए इसका टोटल आ गया 5 लाख रुपए, तो इसका भी 5 लाख ही आएगा। मैजिक है जी, ये मैजिक है। और जब दोनों साइड का टोटल बराबर होता है इसी को बोलते हैं मैचिंग, मैचिंग ऑफ टू कॉलम्स, दोनों कॉलम्स का मैच हो जाना, दोनों कॉलम्स का मिल जाना। बात समझ में आ गई? मैचिंग ऑफ दीज टू कॉलम सजेस्ट, इन दोनों कॉलम का मैचिंग हो जाना ये बताता है ये कि लेजर्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, कि जो ये लेजर्स अकाउंट हैं कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक और परचेज, ये अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। अर्थमेटिकली का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली सही है। मैथमेटिकली का क्या मतलब होता है कि इसमें हमने जो प्लस करा है माइनस करा है, इसमें नहीं लेजर्स अकाउंट जनरल एंट्रीज में जो पास्ट में, वो सब हमने बिल्कुल ठीक करा है, हमसे कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं हुई है, ना जोड़ने में एरर हुई है, ना घटाने में एरर हुई है, ना आगे भेजने में एरर हुई है, ना पीछे से पलटने में एरर हुई है। दिस इज नोन एज अर्थमेटिकली वर्क, मैथमेटिकली वर्क। समझ में आया नहीं आया? तो पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है आदित्य, जरा ध्यान से सुनो, पेपर में क्वेश्चन आएगा थ्योरी में 1 नंबर का, मैचिंग ऑफ ट्रायल, मेरे साथ रिपीट कीजिए आदित्य, मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ए कंक्लूसिव प्रूफ इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। ऑफ लेजर अकाउंट्स, हाँ जी, क्या लिखा, क्या बात कर रहे हैं हम, मैचिंग ऑफ, मैचिंग ऑफ मैचिंग ऑफ ट्रायल ट्रायल बैलेंस बैलेंस इज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। ऑफ लेजर,
तो अब यहां पर क्या होगा, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो आप बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है। ट्रू है। बाकी जितने भी यूट्यूब पर हैं क्या वो बता सकते हैं ट्रू या फॉल्स? हाँ जी जल्दी से, ट्रू या फॉल्स जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो बता सकते हैं? हाँ जी इतनी देर लगती है बेटा, दो बार तो मैंने क्वेश्चन बोला है, दो बार आदित्य ने भी बोला है। हाँ जी तो यूट्यूब वाले तो बच्चे बेटा कंफ्यूज होगा, आदित्य तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम देखो एक टीचर के सामने खड़े हुए हो और एक टीचर से टीचर के सवालों का जो है सामना भी कर रहे हो। बड़ा मुश्किल हो जाता है ना जब टीचर बुला लेते हैं पूरी क्लास के सामने, और सामने बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के सामने आपको लाकर बिल्कुल खड़ा कर देते हैं और फिर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। बाकी बच्चे क्या सोच रहे होते हैं पीछे बैठे हुए, अच्छा वाह भैया मैं तो बच गया, अच्छा वाह मैं तो गया नहीं, यही फीलिंग्स आती है ना बच्चों। तो देखिए जवाब आया है अर्पित का और रुद्र का भी ट्रू ट्रू आया गया, वेरी गुड। और ठीक है तो बेटा, और आदित्य का भी ट्रू आया है, अब मैं अपना जवाब दे देता हूँ बेटा, इसका जवाब है बेटा फॉल्स। जी फॉल्स है आदित्य। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी सर। बेटा, इसका जवाब फॉल्स है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसका जवाब फॉल्स क्यों है, बताऊं? सर देखो मैं पहले लिखता हूं क्या मैंने बोला था। मैंने बोला था मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ट्रू और फॉल्स, तो आपने सबने ट्रू बोला जबकि जवाब फॉल्स है। रीजन है, फिर से देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन एक पॉइंट और लिख रहा हूं, मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू, यानी कि ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाना प्रूफ है मैथमेटिकली एक्यूरेट एक्यूरेसी का। ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाना प्रूफ नहीं है इस चीज का। कंक्लूसिव, व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूसिव? कंक्लूसिव का मतलब होता है पक्का, कंक्रीट की तरह, सीमेंट की तरह पक्का। तो ये पक्का प्रूफ है एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सटीक है, नहीं, बिकॉज एरर्स जो होती हैं वो बेटा दो तरीके की होती हैं, एक होती है एंट्री वाली, एक होती है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की आपने कोई भी गलती नहीं करी तो भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, पर अगर आपने जरेंटी की गलती करी है तो कई बार ट्रायल बैलेंस मिलेगा, कई बार ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, देखो जरा, एंट्री करनी थी बेटा, राम डेबिट 100 रुपये, टू कैश 100 रुपये, और मैंने गलती से एंट्री कर दी राम डेबिट 1000, टू कैश 1000। आदित्य सर ये क्या था? करेक्ट, ये क्या था? तो मैंने गारंटी क्या बना दी? गलत बना दी। तो बेटा मैं पोस्टिंग भी गलत करूंगा, सर राम में भी गलती से 1000 ले जाऊंगा, कैश में भी 1000 ले जाऊंगा, लेकिन फिर उससे लेजर अकाउंट्स तो मिल ही जाएंगे ना, क्योंकि जितना डेबिट में ले गया उतना ही क्रेडिट में ले गया, जितना डेबिट में ले गया उतना ही क्रेडिट में ले गया। तो एक्चुअली डेबिट इक्वल टू क्रेडिट तो मैंने कर ही दिया ना, तो इसीलिए लेजर अकाउंट्स तो बिल्कुल सही आ जाएगा।
हालांकि उसका टोटल गलत होगा, टोटल कितने से गलत होगा, 900 से, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 900 है, लेकिन ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। मधु ट्यूटोरियल कोई आए हैं ट्यूशन पढ़ाने वाले, वो कह रहे हैं क्वेश्चन पूछो, पूछ लो जी, पूछ लो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई आप सबको, कि ऐसी हालत में जब वो हम हमारी तरफ से गलती हो जाएगी तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। आदित्य सर समझ में आ गया कि सर। ट्राय बैलेंस का मिल जाने का मतलब पक्का प्रूफ नहीं है कि ट्राय बैलेंस पक्का है, मिल गया है। ट्राय बैलेंस का मिल जाने का मतलब है कि भाई मैथमेटिकली तो तुमने सही किया है, हो सकता है गारंटी आपने सही की है या नहीं की है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कंक्लूसिव नहीं बोल सकते हम लोग। क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल एक्यूरेट, मैथमेटिकल एक्यूरेट, मैथमेटिकली एक्यूरेट। समझ में आ गया? यस। तो जब आप इस चैप्टर में जाएंगे तो आप पहले 4-5 लाइनों में यही पाएंगे, उसमें यही लिखा हुआ होगा कि मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी बट मैथमेटिकल एक्यूरेसी। समझ में आ गया? नहीं आ गया जी। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो अभी मैंने बताया, मैंने बोला इस चैप्टर की जब अब हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं, एंड में सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करा था कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या है ट्रायल बैलेंस? आप लोग तो अभी नहीं बता पाओगे, आप तो नए हो, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग मत बताइएगा, मैं जरा अपना वीडियो चालू कर दूँ। हाँ जी, चलो भाई एक मिनट जरा देख लूँ, मैं दिख रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स। मैचिंग ऑफ डेबिट कॉलम विद क्रेडिट कॉलम शोज दैट ट्रायल बैलेंस इज एक्यूरेट नॉट कंसेप्चुअली बट मैथमेटिकली, नॉट कंक्लूसिवली बट मैथमेटिकली। आपको ये चीज लिखकर आनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखकर आना है। अगर आप लोग कहोगे सर आपने लिखा नहीं, आपने बोल दिया, बेटा बाद में इसे चला लेना, और जो मैंने बोला है अक्षर बाय अक्षर, वर्ड बाय वर्ड यही पेपर में लिखकर आना है। एक एक लाइन और लिखनी है, मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस गिव्स द ग्रीन सिग्नल फॉर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। यानी जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ये ग्रीन सिग्नल है कि आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। मधु ट्यूटोरियल वाले तो भैया कुछ बात ही नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं। हो सकता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो बहुत से माइंड में क्वेश्चन आते हैं, पर मुझे मालूम होता है कि मुझे उसके जवाब मैं दे दूंगा। स्टूडेंट सोचते हैं शायद सर जवाब नहीं देंगे, अरे कंप्यूटर है दिमाग, कंप्यूटर ठीक है, कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे मालूम है कि इसके बाद स्टूडेंट्स के माइंड में क्या क्वेश्चन आना है, उसके बाद स्टूडेंट के माइंड में क्या क्वेश्चन आना है। चलिए, तो पहला एंडिंग प्रोसेस में व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। नाउ आदित्य जी, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ये आपको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। इसकी थ्योरी आप बाद में ऑडियो में से सुनकर या मैंने जो इसमें है वो लिख लेंगे, या बुक्स की हेल्प से लिख लेंगे, अपनी बुक्स की हेल्प से। यस सर। अब सेकंड है हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, बता सकते हैं आप? सर इसका तो फॉर्मेट होता है बनाने का। ठीक है चलो आप बोलो बोलो, कोई बात नहीं, क्लासरूम में भी तो टीचर जब पूछते हैं तो स्टूडेंट ऐसे ही जवाब देते हैं ना। आप बोलो जो भी आप बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, आप बोलिए। हाँ जी सर, पहले कॉलम में सीरियल नंबर आएगा,
फिर उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट आएगा, फिर जी डेबिट और क्रेडिट आएगा, जी बिल्कुल ठीक है, और इसमें सिर्फ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखा जाएगा। वेरी गुड, यही मैं बुलवाना चाहता था आपसे, जो आपने बोल दिया कि सभी लेजर्स अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है और उनके डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। डेबिट बैलेंस जिनका आया है उन्हें डेबिट कॉलम में शो किया जाता है, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में शो किया जाता है, और वो लेजर जिनका डेबिट क्रेडिट इक्वल है यानी कि कोई भी बैलेंस नहीं है उनको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाता है। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। एक आखिरी क्वेश्चन आदित्य, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? व्हाई? सर दिखाने के लिए कि हमने लेजर में एंट्री ठीक की है। वेरी गुड, देखो इन्होंने जवाब बिल्कुल ठीक दे दिया कि ये देखने के लिए कि मेरे लेजर्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, तो टू शो और टू डिटरमाइन वेदर लेजर्स अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, ये इसकी पहला वाई का जवाब है या इम्पोर्टेंस है, ट्रैवलेंस की इम्पोर्टेंस या ट्रैवलेंस का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, क्या टू असेस टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। भाई आप, आपके डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि क्या तुम्हारे लेजर अकाउंट्स बिल्कुल ठीक हैं, तो आप लोग कैसे ये मालूम करोगे कि हाँ मेरे लेजर अकाउंट बिल्कुल ठीक हैं? ट्रायल बैलेंस बनाकर। आपने फटाफट आपने कहा कि सर मुझे 2 मिनट दीजिए, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट मिल रहा है, आप जाकर बड़े 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोल सकते हो सर हमारे लेजर अकाउंट्स अर्थमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट है। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ जी, आदित्य जी। सर एक डाउट था। हाँ बेटा पूछो। सर जब हम डेट चेंज करते हैं ट्रायल बैलेंस की, तो पूरा ट्रायल बैलेंस नया बनता है। वेरी गुड। अब आदित्य का ये सवाल है कि मान लीजिए सर अभी अभी आपने 31 मार्च पर ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो नेक्स्ट डेट आ गई 1 अप्रैल, तो क्या ट्रायल बैलेंस फिर से पूरा नया बनेगा? तो इसका जवाब कोई यूट्यूब वाला दे पाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, जल्दी से दो। हाँ जी चलो, अब जब तक यूट्यूब पे जवाब आए, मैं इसका जवाब इस लेक्चर में ऑलरेडी दे चुका हूँ और मैं दोबारा से बताता हूँ, और देखो आप लोग ही बताओगे इसका जवाब, मैं आपके आप ही से निकलवा दूंगा इसका जवाब। आदित्य आप बताएंगे, आदित्य 31 मार्च के बाद क्या आप बिजनेस बंद कर दोगे? यस या नो? बस क्या सर? क्या आप 31 मार्च के बाद बिजनेस को क्लोज कर देंगे? यस या नो? कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करता, अगले दिन आकर वो दुकान का शटर खोलेगा नहीं खोलेगा, वो फैक्ट्री ओपन करेगा नहीं करेगा, वो ऑफिस खोलेगा नहीं खोलेगा, ओपन तो करेगा ना, यस या नो? करेगा। वेरी गुड। अब जब वो ओपन करेगा अपनी दुकान, अपना ऑफिस, अपना फैक्ट्री, जो भी है उसके पास, तीनों भी हो सकती है, कोई भी एक भी हो सकता है, तो एक बात बताओ, ट्रांजेक्शन तो स्टार्ट हो गए, सैलरी तो फिर से ड्यू हो गई एम्प्लॉइज की, कन्वेंस का खर्चा, बिजली का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, माल खरीदना माल बेचना तो फिर से शुरू हो गया, यानी गारंटीज फिर से नहीं आ गई,
लोगों से जो पैसा लेना है और लोगों को जो पैसा देना है उसका बैलेंस बदला कि नहीं बदला? आप ही बताएंगे यस या नो। जाएगा सर। चेंज होगा, चेंज होगा तो लेजर्स भी चेंज हो गए, यस सर। लेजर्स चेंज हो गए तो ट्रैवलर्स भी चेंज हो गया। हाँ जी सर। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज पुट द डेट ऑफ ट्रैवलेंस एट द टॉप। ट्रैवलेंस के टॉप पर इसीलिए डेट लिखी जाती है कि ये बात बता दें कि भैया ये जो लेजर्स हैं ये इस डेट के हैं, यानी इस डेट से पहले के नहीं है, इस डेट के बाद के नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आदित्य ने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड बेटा। और कुछ भी पूछना चाहते हो? थैंक यू। हाँ जी आदित्य जी, कुछ और भी पूछना चाहते हो बेटा? नो सर। चलो अब, लेकिन मेरे पास है पूछने के लिए सवाल। अच्छा मजा होता रुद्र और अर्पित, अगर आप भी क्लासरूम में होते तो कभी मैं आदित्य से पूछता, कभी रुद्र से पूछता, हाँ तो आप लोगों की भी वॉइस भी आती इसमें, तो ये पूरा क्लासरूम का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता। तो मुझे लग रहा है कि ये काम करेगा ये आइडिया, है ना? तो करेंगे नेक्स्ट, कल की क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा। जिनके पास लैपटॉप ना हो वो लोग अपने मोबाइल में भी जूम का जो है एंड्रॉयड एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, उससे फिर ये सब स्टार्ट हो जाता है। दो एक दिन आपको दिक्कत आएगी लेकिन जब आप फंक्शन सीख जाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन बॉर्डर्स पर चाइना ने हमारे साथ लड़ाई की है, हमारे सैनिकों के साथ लड़ाई करी है, तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदें और इवन यूज़ भी ना करें, ठीक है? तो जूम जो है चाइनीज प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं, तो इसका मतलब है कि जूम को भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूँ और एक अच्छा सा रिप्लेसमेंट मैं ढूंढ दूंगा तो मैं आपको इसमें कहूँगा। वैसे अभी एक रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा है गूगल मीट्स, लेकिन गूगल मीट में कमी है कि वो अभी यूट्यूब पर है ना, साथ में पैरेलली नहीं आता है जबकि जूम आ जाता है। तो इसलिए मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है कि जिससे मैं आप लोगों के साथ ऐसे लाइव कॉन्वर्सेशन भी कर पाऊँ और पैरेलली उसे मैं यूट्यूब पर भी ब्रॉडकास्ट कर पाऊँ। तो ऐसा प्रोडक्ट आपको मालूम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, और नहीं तो मैं तो करूँगा, मैं तो ढूंढूंगा ही। दो तीन दिन में, चार पाँच दिन में जब हम ढूंढ लेंगे, मैं इस जूम को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, क्योंकि जिस बंदे ने, जिस कंट्री ने हमारे देशवासियों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ ऐसा करा है बेटा, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो सैनिक हैं वो हमारे कंट्री के हैं। आप ये समझो कि अगर आप वो जो सैनिक के फैमिली पर्सन होते तो क्या होता, आपके मन में कैसी फीलिंग्स आती? और वो जो सैनिक वहाँ पर गए हैं वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं गए हैं, वो इस कंट्री को एक फैमिली मानकर उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ गए थे। तो इसलिए हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हमें एक परिवार की तरह सोचना है, हमें ये सोचना है जैसे हमारे परिवार से कोई सैनिक गया हो और उसके साथ ऐसा कोई हादसा हो गया है और वो शहीद हुआ है, तो जो फीलिंग्स ऐसे परिवार में आती हैं वो हमारे दिलों में आनी चाहिए, हमारे जज्बातों में आनी चाहिए, इसी को देशभक्ति कहते हैं। चलिए आज का ये लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना है, उसके बगैर ये चैप्टर अधूरा है। बता दूँ बेटा आदित्य? यस सर। ठीक है, स्काइपे को रुद्र ने स्काइपे का उदाहरण दिया है, लेकिन स्काइपे क्या यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है पैरेलली, ये और बताएं। चलो भाई अब लास्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी स्टूडेंट जरा ध्यान दें, आदित्य आप भी ध्यान दें। आपको मालूम है अकाउंट्स की जो अप्रोच है, अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, वो दो तरीके की होती है, एक होती है क्लासिकल, एक होती है मॉडर्न, यही होती है ना? क्लासिकल अप्रोच में नेचर ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं? तीन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मॉडर्न अप्रोच में कितने होते हैं?
आदित्य, पांच एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक बताया आदित्य ने, पांच तरीके के होते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये पांच तरीके के होते हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो याद रखना, एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है ऑलवेज, कैपिटल का क्रेडिट होता है ऑलवेज, लायबिलिटी का भी क्रेडिट होता है ऑलवेज, रेवेन्यू का भी क्रेडिट होता है ऑलवेज, एक्सपेंसेस का डेबिट होता है। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों बताया? आदित्य पूछो ना मेरे से कि सर आपने ये क्यों बताया इस लेक्चर में, पूछो पूछो। हेलो सर, भाई पूछो ना कि सर आपने इस लेक्चर में ये पॉइंट क्यों बताए। तो क्यों बताए? हाँ थैंक यू, इसलिए बताया बेटा कि सभी स्टूडेंट सामने देखें कि जब ट्रायल बैलेंस में आप नेम ऑफ अकाउंट्स लिखते हो तो ये पांचों अकाउंट्स होते हैं। देखो, कैपिटल, लोन लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, कैश एसेट्स, बैंक एसेट्स, परचेजेस एसेट्स, एक्सपेंसेस। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए देखो मैंने कैपिटल को क्रेडिट में लिखा था, ये देखो निशान, देखो लोन को क्रेडिट में लिखा था, क्रेडिटर्स को इनकम होती तो कहाँ आता? क्रेडिट। तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि क्रेडिट में क्या क्या आने वाला है। क्या क्या आएगा आदित्य क्रेडिट में? क्या क्या आएगा ट्रायल बैलेंस के? कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम यानी रेवेन्यू। और डेबिट में क्या क्या आएगा आदित्य? एसेट और एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस। ये बात अगर आपको याद रहेगी तो ट्रायल बैलेंस बनाने में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। सबको समझ में आ गया? आज की क्लास बड़ी मजेदार रही, बहुत ही मजेदार। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि पता नहीं यार कैसा इंप्रेशन आएगा, कैसे हम होंगे, लेकिन मैं आपने एक टीचर की नज़र से मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी और इफेक्टिव लगी। इफेक्टिव कि मतलब आप लोगों से कन्वर्सेशन भी हुआ, आप लोगों के अंदर की जो कमियाँ हैं हमने उस कमियों को भी दूर करा इसी क्लास में। कई बार आप चीज़ों को दोहराया आप लोगों से, तो इसलिए आप लोगों के साथ मज़ा आया, ठीक है ना? तो आदित्य कैसा रहा बेटा आज का क्लास, आज का सेशन? चले गए क्या? नहीं सर। अच्छा, तो बेटा आज की क्लास बढ़िया रही, अच्छी रही? यस सर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस बता दो कि बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और आपकी तरफ से आज की ओवरऑल क्लास कैसी रही? आज की क्लास अच्छी रही, ढंग से समझ में भी आ गया। आ गया ना? YouTube पर जो हम लेते हैं उससे इफेक्टिव रही? हाँ जी सर। बस ठीक है, तो अभी एक दो दिन अभी और कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, और अगर आप सब लोगों ने अप्रूव करा तो हम इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? आज की क्लास हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक आदित्य, थैंक यू फॉर योर कमिंग।